नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव, आपके साथ मैं हूं धीरज। अनंत सिंह की मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ते ही चली जा रही है। अनंत सिंह के हर दिन एक बड़े केस का खुलासा होते जा रहा है और जब उनसे पूछा जा रहा है तो उनका साफ कहना है कि बिहार सरकार मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार मुझे बुरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं जेल के अंदर रहूं, इसलिए वो जानकर इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे मुझे फंसाया जा सके। वहीं बता दें कि अब अनंत सिंह के बचाव में पप्पू यादव भी सड़क पर उतर चुके हैं, वो भी अब मैदान में निकल चुका है। उनका साफ कहना है कि अनंत सिंह जैसे इंसान के साथ ये काफ़ी गलत हो रहा है, क्योंकि बिहार में आए दिन शराब माफिया बालू माफियाओं का वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है और सरकार ये सब छोड़ के आनंद सिंह पे शिकंजा कसने में लगी हुई है, जो साफ दर्शाता है कि इन लोगों को विधि व्यवस्था को ना सिर्फ आनंद सिंह को फंसाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। आप खुद सुने पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा आनंद सिंह को लेकर। वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा आप करिए, मैं इस चीज़ के पक्ष में, आनंद जी अच्छे हैं खराब हैं मैं इसका कुछ नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से आप क्या है एक बड़े पदाधिकारी और नेताओं के परिवार की पोस्टिंग करा करके जैसे मनाए हम वैसे करें, तब तो सब अपने अपने रिश्तेदारों का पोस्टिंग आप करा लीजिए DSP और थाने के रूप में, काहे किसी चीज़ों की पारदर्शिता की जरूरत है। मैं स्पष्ट मानता हूँ कि क्या उनको रिपोर्ट है, लगातार जिस तरीके का बयान उनका आया था कि हेमोपैथी और एलोपैथी इलाज हम कर देंगे, भैया इलाज अब उनसे पूछिए कौन इलाज करवाने कर रहे हैं, जो उनके साथ नहीं रहेगा उनको मरवा देगा, उनको क्या करेगा। मैं गलत को आप कुछ भी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कंप्लीट रूप से सरकार के स्टैंड के साथ रहूँगा गलत आदमी के खिलाफ, लेकिन ये माफिया तो इनको नज़र नहीं आता, कभी इनका स्टैंड रहता है सरा पर जमीन, दोनों माफिया पूरा का पूरा बिहार कब्जा किया हुआ है, बालू माफिया से लेकर सारा माफिया ये मस्त है और एक आदमी पर लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये न्यायालय देख रही है और सब कुछ देख रहा है, मुझे लगता है कि हर पार्टी को ऐसे तरीके का विरोध करना चाहिए। मैं इस तरीके का विरोध करता हूँ, कंडम करता हूँ कि आप टारगेट करके किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आप किसी के को ख़त्म कर दीजिए। कल तक हमाम में सब नंगे थे, हर डाल पर उल्लू बैठा अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, कल तक ये बहुत अच्छे थे, बाढ़ से MP का चुनाव लड़ते थे नीतीश जी, तो पूरा का पूरा साथ में घुमाना, सपोर्ट लेना, अन्य लोगों का सपोर्ट लेना और तब तक घंटों घंटों एक रूम। जैसा कि आपने देखा, पप्पू यादव ने साफ सरकार को घेरते हुए कहा है सरकार सिर्फ आनंद सिंह को फंसाने में लगी है, वहीं बालू माफिया या शराब माफिया का वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं धीरज कुमार, सरमाल लाइव पटना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।